सो गाइज, हम जब गाड़ी लेने का प्लान बनाते हैं तो हम हर एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि उसकी माइलेज हो गई या फिर उसके फीचर्स हो गए, स्पेसिस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ कन्वीनियंट के हो गए। वो सारी चीज़ें अगर एक बंदा गाड़ी लेने का सोचता है तो ये सारी चीज़ें उन गाड़ियों के अंदर ज़रूर से ढूंढता है। बट आज के टाइम के अंदर जो है ना, वक्त ऐसा आ चुका है कि लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ जो है ना फीचर्स के पीछे भाग रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि माइलेज हो गया। माइलेज के पीछे भी लोग काफ़ी टाइम से जो है ना लगे पड़े होते हैं कि भाई हमारे को जो है ना बहुत अच्छी माइलेज चाहिए। बेशक हम एक आधा फीचर जो है ना कम ले लेंगे, बट माइलेज जो है ना अपने को बिल्कुल सॉलिड वाली चाहिए। सो अगर माइलेज की बात की जाती है तो माइलेज आज के टाइम में कौन सबसे ज़्यादा बेटर दे रहा है? ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ जो है ना अच्छी माइलेज दे देती है। सिर्फ हम छोटे गाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी अच्छी माइलेज आप लोगों को उसके अंदर मिल जाती है। बट सबसे अच्छी माइलेज का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को मारुति सुजुकी के अलावा आप लोगों को सबसे बेस्ट माइलेज कोई नहीं देगा। चाहे बड़ी गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं या फिर हम लोग उनके एंट्री लेवल गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो माइलेज आप लोगों को हद से ज़्यादा उसके अंदर मिल जाती है, और अकॉर्डिंगली दूसरी गाड़ियाँ, ठीक है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों को क्या बात करने वाले हैं, जो 8 से 9 गाड़ियाँ मैं आप लोगों को ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी माइलेज, यानी कि आप लोगों को एक ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियाँ आने वाली है जो कि इको फ्रेंडली है, और आप लोगों की वो पेट्रोल से भी चलेगी और वो आप लोगों की बैटरी से भी चलेगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो है ना हाइब्रिड कार्स के बारे में जानने को मिलेगा कि कौन सी ऐसी गाड़ियाँ जो हाइब्रिड के साथ लॉन्च होने जा रही है यहाँ इंडिया के अंदर 2024 में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप लोगों का भी प्लान एकदम से सॉलिड वाला बन जाएगा गाड़ियों को लेने के लिए, वो भी हाइब्रिड वाली। तो बिना देरी हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गाड़ी आने वाली है वो मारुति सुजुकी की तरफ से ही आने वाली है, और वो कौन सी रहने वाली है आप लोग की? स्विफ्ट। भाई ये जो स्विफ्ट है ना, इसने भी काफ़ी सारा जो है ना मतलब एक इतिहास ही रचा हुआ है पूरे मार्केट के अंदर। अब इस गाड़ी को जो है ना नए जनरेशन के साथ आप लोग को हाइब्रिड के साथ ये गाड़ी यहाँ इंडिया के अंदर मिलने वाली है। इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने वाली है, देखिए सबसे पहले तो बता दूँ ये आप लोग को, इसमें आप लोग को कॉस्मेटिक डिज़ाइन के अंदर चेंजेस किए जाएंगे, और ये गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाई जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों को जो है ना एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोगों को दिया जाएगा इसमें, जो कि 82 PS की पावर निकालेगा और 108 Nm का टॉर्क निकालेगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पावर आउटपुट के मामले में भी चलो सफिशियंट है, बट आप लोगों को जो माइलेज है ना, अब ये मान के चलो हाइब्रिड आ रही है तो माइलेज आप लोग को इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलने वाली है। जैसे कि इसके अंदर आप लोग को 24 पॉइंट प्लस की जो है ना आप लोग को ये एवरेज निकाल के देगी नॉर्मली, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए इसका जो माइलेज निकाल के देती है ये 22 या 23 तो निकाल ही देती है, बट ये 24 से ज़्यादा का निकाल के देगी आप लोगों को विद हाइब्रिड के साथ। यहाँ पे आप लोग को एक हेड्सअप डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक 10 इंचज़ का आप लोग को जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। इसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया जाएगा, कनेक्टेड कार आप लोग को इसके अंदर मिल जाएगा, 6 एयरबैग्स आप लोग को दिए जाएंगे, एडास आप लोग को इसके अंदर मिल सकता है। आप देख लिए स्विफ्ट जो है ना, अब एडास के साथ आएगी तो कितनी ज़्यादा सेफेस्ट बन जाएगी। सो अब ग्लोबल एनकैप में जब इसको क्रैश टेस्ट के लिए भेजा जाएगा तो आपको क्या लगता है कि कितने स्टार इसको मिल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी राय ज़रूर से देना। यहाँ पे इस गाड़ी का लॉन्च जो है ना आप लोग को जुलाई के महीने में ये गाड़ी ज़रूर से यहाँ इंडियन मार्केट के अंदर आप लोग को देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो महिंद्रा मोटर्स की तरफ से आने वाली है 5W न्यू जनरेशन में। अब ये जो न्यू जनरेशन है 5W का, ये एक्चुअल में 5W नहीं रहेगी, ये कुछ और प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कोई और जो है ना प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप इसको महिंद्रा की तरफ से आने वाली, जिसको XUV 7W के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा, और काफ़ी हद तक जो है ना सिमिलैरिटीज ही लगेंगे, XUV 7W जैसे ही लगेगी। डायमेंशन चेंज कर दिए जाएंगे इस गाड़ी के, कॉम्पैक्ट सेगमेंट में इस गाड़ी को डाल दिया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर अपग्रेड्स इस गाड़ी के अंदर किए जाएंगे, जैसे इंटीरियर चेंज हो जाएगा इसका, और एक्सटीरियर तो वैसे भी चेंज होने ही जा रहा है इस गाड़ी का, और 7W जैसी आप लोगों को ये गाड़ी बिल्कुल लगेगी। अब इसके अंदर जो आप लोगों को इंजन मिल सकता है, ये आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर, जो कि 130 BHP की पावर निकालेगा और 250 Nm का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करके देगी आप लोगों को। सो अगर फीचर्स के मामले में थोड़ी बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स आप लोग को इसके अंदर दे दिए जा सकते हैं, और वायरलेस चार्जर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स आप लोग को मिल जाएंगे, और पैनोरामिक सनरूफ आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो XUV 5W न्यू जनरेशन के साथ आप लोग को मिल सकती है। और क्या चीज़ें रहेगी, जब ये गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी तो आप लोग के लिए डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूर से बनाया जाएगा। तो इस गाड़ी का लॉन्च डेट आप लोग को जो है ना फेस्टिव सीज़न से पहले पहले भी ये गाड़ी आ सकती है, बट फेस्टिव सीज़न तक आप लोग जो है ना इसका अनुमान लगा सकते हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए लैंड रोवर की तरफ से भी डिफेंडर आप लोगों को पता ही है आती है, काफ़ी महंगी है, करोड़ों में आने वाली गाड़ी है ये। इसको भी जो है ना हाइब्रिड के ऊपर उतारने वाले हैं, जिसकी प्राइसिंग अभी जो है ना ढाई तीन करोड़ रुपये तक भी इसकी बढ़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, 2.2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 394 bhp के पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी ये। मतलब भाई ये तो अल्टीमेट है भाई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे 14 से 15 की mpl की माइलेज ये गाड़ी निकाल सकती है आप लोगों के लिए ऑल व्हील ड्राइव में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है, और साथ ही मैं बता दूँ मैं आप लोगों को इसके अंदर जो है आप लोगों को ये क्या आप कहते हैं मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें सारे फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। एक बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा इसमें, डुअल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल होगा, 360 डिग्री कैमरा होगा, पैनोरामिक सनरूफ भी, और कई सारे ऐसे सेफ्टी के फीचर्स आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल सकते हैं लैंड रोवर की डिफेंडर में। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार ये गाड़ी, मतलब अभी कभी देखते हैं प्लान बना तो। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोयोटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है भाई बेल्टा, और ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना तगड़ी एक सिडान रहने वाली है। वैसे तो सिडान का कोई मतलब नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों का बजट ऑलरेडी बढ़ चुका है यार, अब लोग जो है ना अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इसकी कीमत अगर आप लोग को बता दूँ तो ये 8 से 12-13 लाख रुपये के बीच में आप लोग को यहाँ पर मिल सकती है, मे बी उससे भी महंगी हो सकती है ये गाड़ी। और ये सियाज का रीबैज वर्जन है आप लोग पता ही है, आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और लग्जरी है इस गाड़ी के अंदर फील होने वाला। 1.5 लीटर का एक हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर किया जाएगा जो कि 105 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। सो पावरफुल काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी। मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, और 7 inches का आप लोग को इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा 360 डिग्री कैमरे के साथ, वायरलेस चार्जर वगैरह आप लोग को सारे फीचर्स एडवांस लेवल के इस गाड़ी के अंदर मिल सकते हैं। बाकी गाड़ी का लॉन्च डेट बताता हूँ तो आप लोग को ये ना मई के महीने में गाड़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रेनो मोटर्स की तरफ से आने वाली है कूपे डिज़ाइन में आने वाली अर्काना। ये एक बहुत ज़्यादा लग्जरी सिडान रहने वाली है जो कि एल शेप के अंदर आप लोग को इसके अंदर DRLs देखने को मिल रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक्स एंड डिज़ाइन है इस गाड़ी के, जिसकी प्राइसिंग बताऊं आप लोग को तो 16 से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। और ये अरकाना जो है ना रेनो मोटर्स को कुछ ना कुछ जल्दी करना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट इनके हाथ से निकलता जा रहा है। 1.6 लीटर का एक हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर किया जाएगा जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ये पेयर होगा। एडवांस लेवल के फीचर्स आप लोगों को दिए जाएंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, 360 डिग्री कैमरा होगा यहाँ पे, और वेंटिलेटेड सीट्स, एडास आप लोगों को इसके अंदर मिल सकता है। सो एक बात यहाँ पे कहने वाली ये है कि मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है ना हाइब्रिड के अंदर वो सारी सिडान सी क्यू है भाई। आप लोग बड़ी बड़ी SUVs निकालो, आप लोग कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर हमारे को दो, हैचबैक्स के अंदर ये फीचर दो ना यार, ये टेक्नोलॉजी दो, ये मतलब हाइब्रिड क्या कहना यार कंपनियों के भी। चलो छोड़ो, कोई नहीं, देखी जाएगी जो होगी। तो इस गाड़ी का लॉन्च डेट भी जो है ना आप लोग को जून से जुलाई के महीने तक ये आप लोग को मार्केट में देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे होंडा मोटर्स के तरफ से 6th generation सिविक्स आने वाली है, सिविक या सिविक्स जो मर्जी बोलो। इसमें भी बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट्स आप लोग को मिलने वाले हैं, जो कि सामने से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन दिखाने को मिलता है, और साथ ही में इसके अंदर एक प्रीमियम लाइटिंग सेटअप आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों को इसके अंदर जो है ना 2.0 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, और जो दूसरा इंजन होगा वो 1.5 लीटर का होगा हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि मैनुअल DCT और ECVT गियरबॉक्स के साथ ये पेयर होगा। फीचर्स के मामले में बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है, और इसके अंदर एडवांस लेवल के ही टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाएंगे इस गाड़ी को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए और प्रीमियम बनाने के लिए। सेफ्टी का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ध्यान आप लोग को यहाँ पे रखा गया हुआ है, और गाड़ी का जो लॉन्च डेट है ये आप लोगों को मई से जून के महीने में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं भाई तो यहाँ पे आने वाली स्कोडा मोटर्स की तरफ से ओक्टाविया RS4, और ये गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स के साथ आने वाली है। वो वैसे भी स्कोडा मोटर्स को आप लोगों को जानते ही है बहुत अच्छे तरीके से कि ये SUVs वाली आप लोगों को ग्राउंड क्लीयरेंस प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और ये सीखना चाहिए और कंपनियों को भी इनसे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये एक हाइब्रिड सिडान रहने वाली है। LED लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा आप लोग को, एक मैसिव ग्रिल आप लोग सामने से देख रहे होंगे, पैनोरामिक सनरूफ आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे। इसकी जो प्राइसिंग रखी जा सकती है वो 25 से लेके 30 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। 1.4 लीटर का आप लोग को हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 140 bhp की पावर निकालता है, और साथ ही में इसके इंटीरियर जो होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होंगे। मल्टी कलर के अंदर आप लोग को इसके अंदर लाइटिंग देखने को मिलेगी जो कि एम्बियंट लाइट्स आप लोग उसको बोल सकते हैं। और भी कई सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकी इस गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना आप लोग को मई के महीने में ये गाड़ी देखने को मिल सकती है।
चलिए भाई लास्ट गाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो एस क्रॉस न्यू जनरेशन आने वाली है मारुति की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहेगी और फीचर्स के मामले में भी अल्टीमेट तरीके से ये गाड़ी रहने वाली है। वैसे जो एस क्रॉस है आप लोग जानते ही होंगे कि ग्लोबल में इस गाड़ी को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। सो उसी के प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया जाएगा, तो ये भी आप लोग को फिर से वही अलग कारनामे करके दिखा सकती है। तो मारुति सुजुकी के पास जो है ना 1 से 2 ही गाड़ियाँ ज़्यादातर ऐसी है जो कि सेफेस्ट मानी जाती है। तो स्टाइलिश लाइटिंग सेटअप आप लोग को इस गाड़ी के अंदर दिख रहा होगा, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। प्राइसिंग आप लोग को 12 से लेकर 16-17 लाख रुपए तक इसकी जा सकती है एक्सपेक्टेड। और 1.5 लीटर का एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और 1.4 लीटर का बूस्टर जेट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। मैनुअल DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ADAS आप लोग को मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा भी होगा और वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर कर दिए जाएंगे आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर। सो एस क्रॉस मुझे लगता है कि ये ग्रैंड विटारा आप लोगों ने गाड़ी देखी थी, वैसे ही आप लोग को थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी इस गाड़ी को देख के ग्रैंड विटारा की। सो भाई ये थी ओवरऑल वो गाड़ियां जो आप लोगों को जो है ना बेहतरीन माइलेज के साथ यानी कि हाइब्रिड के साथ आप लोग को गाड़ियां आने वाली है। अब आप लोग बताइए आप लोग जो है ना किस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करोगे, किस वाली कंपनी के ऊपर जाना प्रेफर करोगे और किस गाड़ी का इंतज़ार करना चाहते और प्लान क्या है आप लोग का, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।